स्मृति ईरानी से पूछा ना, अपने दीदी से पूछे, अरे भैया ये सौभाग्य की निशानी है, और ये उस समय 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी, कर रही थी, गैस सिलेंडर लेकर घूम रही थी 400 रुपए की, आप आज क्यों नहीं बोलती है? सुनो, कांग्रेस के समय में पेंशन मिलता था, अनुकंपा के आधार पर नौकरी थी, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि जो है सारा रोजगारे पी गए, 3,12,000 पद खाली है। क्या नाम था? बोलो 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 बोलो, अरे अरे भैया क्यों नहीं बोल रहे, बोलो, हिम्मत नहीं है? अरे माने दूध ना पिलाया? अरे भाई आप जैसे पत्रकारों की माने दूध ना पिलाया? बोलो, भाजपा का वो कौन सा सांसद था जिसने दलित सीएम को मारा था? आप बात ही नहीं कर। अरे भैया एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, 1950 में जन्म हुआ, 17 साल में शादी की, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 1973 में बडनगर रेलवे स्टेशन बेचा, 40 साल भीख मांग के खाया, और 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो कितना साल होता है भैया बताओ? ए बताओ ना भैया, ए भैया गोबर को चौनप्रास समझ के चाटने वालों, बोलते लो तू जितना, औरंगजेब ने जितना जुल्म नहीं किया हिंदुओं पर, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सनातन हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया है। पत्रकारों के लिए चूड़ियां लाया हूँ, ये देखो सुधीर चौधरी क्या कह रहा, बताओ ये चूड़ियां आप जैसे पत्रकारों के लिए पहन लो, घाघरा चोली, जाओ ठुमका लगाओ सड़कों पर, ये किस तरीके से नफरत परोस रहा है? अरे भाई सुनो, अरे दलालो, अरे भैया दलाली करना बंद करो, देश को तोड़ना बंद करो, देश में नफरत फैलाना बंद करो, ये क्या है, क्या कह रहे आप? समझो, आप उस समय तो ना नाचते जब पुलिस वाले को भाजपा का सांसद मारता है, दरोगा को, आप तब नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मारा पीटा जाता है, आप तब नहीं बोलते जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार कर भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से, ये कौन है भाई ये बताओ, ये हमारी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है तो। अरे भाई सुन तो लो, कुंदन सिंह गैंग रेप के बाद हत्या, बताओ बीजेपी नेता सहित खबर दिखाया आप लोगों ने, आप क्या खबर दिखाते हो? पहले चूड़ियां घाघरा चोली चौक चौराहों पर ठुमका लगाना, लो आप सभी पत्रकारों के लिए है, लो ले जाओ बांट लो अपने आपस में पहन लेना, क्या तमाशा कर रखे हो? अरे भाई, अरे भाई तो ये बात स्मृति ईरानी से पूछा ना, अपने दीदी से पूछे, अरे भैया ये सौभाग्य की निशानी है, और ये उस समय 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी, कर रही थी, गैस सिलेंडर लेकर घूम रही थी 400 रुपए की, आप आज क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोलती है, पूछो जाकर सवाल, सवाल पूछने की तुम्हारी औकात नहीं और तुम लोगों की हिम्मत नहीं कि ये सवाल पूछो, किस तरीके से सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो चला रहा है, जो पाकिस्तानी शो है, पूरा का पूरा काला चिट्ठा ब्लैक एंड शो में दिखाया जाता है, किस तरीके से नफरत परोस रहा था? आप नहीं बात करते, आप नहीं बात करते कि आरएसएस में 4 पीढ़ियों से रहने वाला प्रदीप करुलकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, आप नहीं चर्चा करते उस शर्मा के बारे में जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा, आप नहीं बात करते कि पुलवामा में आरडीएस किसके थे, वो जेलेटिन किसका था, आप बात नहीं करते, बात करो ना, है हिम्मत, है हिम्मत तो जाके पूछो सत्ताधारी दलों से कि कभी ये पहलवान बेटियों के जो यौन शोषण के आरोपी हैं उसके रक्षक बन के काम करते, कभी ये किसानों के जो हत्यारा, जो उसका बाप प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है जिसके बेटे ने हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को थार से कुचल दिया था, उसका रक्षा करता है, कभी कुलदीप सेंगर की रक्षा करता है, कभी बहन मनीषा के दरिंदों की रक्षा करता है, कभी छात्र नौजवानों को मारता है पीटता है, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। पंडित जी सुनिए, पहले मुख्तार अंसारी की हत्या हुई, आप छाती पीट रहे थे, सड़कों पर लेट रहे थे, खूब आपने जो है विलाप, आप सुन लीजिए, अभी एक और हत्या हुई है, एक हिंदू की हत्या हुई है, अब आप नहीं बोलेंगे? किस हिंदू की हत्या हुई? गैंगस्टर, गैंगस्टर किसने नहीं कहा? आप बोले, अरे सुन लो बेशर्मो, अरे सुन लो सत्ता के हवसियों, महिला वकील, देखो आप लोग कहते हैं कि योगी का राज है, मैं कहता हूँ ढोंगी अपराधनाथ के राज में, ढोंगी अपराधनाथ के राज में देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, आप ये बताओ कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है, हमने देखा है जजों को कुर्सियों के नीचे छुपते हुए, वकीलों को दौड़ते हुए, हमने देखा है अस्पताल में, आपने कहा मैं कोई भी क्रिमिनल हो, कानून सम्मत उसको सजा मिले, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, अगर मेरा रिश्तेदार भी होता तो मैं कहता उनको फांसी की सजा दो, लेकिन जिस तरीके से ये नौटंकी और ड्रामेबाजी चल रही है,
वो गलत है। अस्पताल में अतीक अहमद की हत्या हुई। न्यायालय में मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे, जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, हत्या करना हमारा कानून नहीं कहता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी हो या सामान्य नागरिक। कानून सम्मत देश संविधान से चलेगा और संविधान के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। 2017 से अब तक 41 एनकाउंटर हो गए। किसके हुए ये? पुलिस की मौजूदगी में, यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस की पिटाई हुई, अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने वाला कौन था? बीजेपी सांसद। क्या नाम था? बोलो 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 बोलो। अरे अरे भैया क्यों नहीं बोल रहे, बोलो, हिम्मत नहीं है? अरे माने दूध नहीं पिलाया। अरे भाई आप जैसे पत्रकारों की माने दूध ना पिलाया। बोलो भाजपा का वो कौन सा सांसद था जिसने दलित एसडीएम को मारा था? आप बात ही नहीं करते। बोलिए ना, आप काहे भाई लेने से डर रहे हैं, बोलिए। हैं, शरद पाठक नाम है उसका। हाँ, और उसने दलित एसडीएम को मारा था, उसके बाद पूरे थाना के पुलिस कर्मियों को मारा, बुरी तरीके से मारा पीटा, और जो अपहरणकर्ता थे उनको छुरा कर ले गया। खामखा विरोध करने आ रहे यूपी में, कितना अच्छा कानून। अरे क्या खाते हो भैया, गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो? अरे विरोध ना करें कि संविधान के रक्षक जिनके हाथों में प्रदेश की बागडोर है और उनको मारा गया पीटा गया, अगर हम इस बात का विरोध भी कर दें तो हम गलत हैं। सस्ती अगर यूपी में कितना गिरेंगे, टीका लगा के मोदी योगी गाली देना बड़ा आसान है लेकिन देश चलाना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, शेर ने चीता लाया था, चीता मर गया, पता है? अरे भैया एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। 1950 में जन्म हुआ, 17 साल में शादी की, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 1973 में बडनगर रेलवे स्टेशन बेचा, 40 साल भीख मांग के खाया, और 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो कितना साल होता है भैया बताओ? ए बताओ ना भैया, ए भैया गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वालों बोलते लो। इसीलिए तो अरे भाई मोदी जी, अरे सुन लो, ये आप लोगों की मेहरबानी है। कहा जाता है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आपने जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो इमेज बनाने की काम की, उसके वजह से आज देश परेशान है। अच्छा वो सब छोड़िए, आप 24 में % बहुमत के साथ भाजपा आ रही है ना, तुमको कैसे मालूम? तुम भी बाबा बाप। अरे 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 सर, अरे बेशर्मा, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया तेरी भी पर्ची निकलती है क्या? अरे तेरा भी पर्ची निकले तो बताओ भैया, कैसे जान गए? पूरा देश परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, देश का अन्नदाता पालनहार किसान परेशान है, देश में महिला बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कौन आदमी वोट देगा? महंगाई की मार से सभी परेशान है। पर्ची निकाल दिया 2024 के लिए, आप यहाँ हल्ला मचाया जा रहे हैं। अच्छा तो रेल में कहने पर्ची निकलवा लिया बाबा बागेश्वर से? तो बोल रहे थे कोई अर्ची नहीं लगवाया। अच्छा बोल दिया, हो गया, कुछ बोलोगे? उस पर केस होना चाहिए, जितने लोगों की मौत हुई उसको हत्या का केस उस पर दर्ज होना चाहिए कि ये फर्जी साधु संतों को जब ये बात ढिंढोरा पीटते, उनको पता था फिर भी रेल हादसा होने दिए। असली वजह रेल बजट में कटौती करना, जो ट्रैक के मेंटेनेंस और निर्माण के नाम पर जिस 2,500,000 करोड़ रुपए का बजट वंदे भारत ट्रेन के लिए रखा गया, आप साफ साफ समझिए कि रेल के पटरियों पर वो जो सुरक्षा कवच आपने देखा था अश्विनी जी का, जो लापता रेल मंत्री है? वो तो अरे भाई, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हमसियों, ये सुरक्षा कवच कहाँ गया? अरे भाई पूरे भारत के रेलवे को, ट्रैक को अगर सुरक्षा कवच प्रदान की जाती तो 64,000 से 65,000 करोड़ रुपए में सुरक्षा कवच मिल जाती। आखिर क्या कारण है कि अनदेखी की गई? ये बताओ, कैक की रिपोर्ट, जिस कैक की रिपोर्ट से देश में भूचाल आ जाया करता था, वो कैक का रिपोर्ट कहाँ है ये बताओ? आप नहीं बताओगे, चूंकि जांच कर तो रही है, क्या कर रही है सीबीआई जांच भाई? हैं, रेलवे की जो मृत्यु हुई थी रेलवे में, उनके टेंपो में लाशों को फेंका गया था, जबकि गांव को 10 लाख रुपया दिया है मोदी। निश्चित तौर पर सुनो, आपने, अरे सुन तो लो, आपने सीबीआई की बात की, क्या सीबीआई ये सरकार से पूछेगी कि ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक के निर्माण के लिए 2018-19 में 9,607 करोड़ रुपया आवंटित थे, उसको 2019 और 20 में घटाकर 7,417 करोड़ रुपया कैसे किए गए? क्या सीबीआई सत्ता पक्ष से यह सवाल पूछेगी कि रेल के चिंतन शिविर में सभी जोन को सुरक्षा पर बोलना था लेकिन एक ही जोन के लोगों ने बोला
और उस शिविर में सिर्फ वंदे भारत पर ही केंद्रित था। आखिर क्यों, क्या सीबीआई कैग के रिपोर्ट में जिक्र 2017-21 के बीच 10 से में से करीब 7 ट्रेन हादसे पटरी से उतरने के वजह से हुआ, फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या सीबीआई पता लगाएगी कि रेलवे संरक्षा कोष फंडिंग 79% कम हो गई? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित क्यों नहीं हुआ जैसा कि मोदी सरकार का वादा था? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3,12,000 पद जो रेल मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा था, क्या सीबीआई ये बताएगी कि 12 घंटे से ज्यादा लोको पायलटों की ड्यूटी क्यों कराई जाती है? क्या साउथर्न वेस्टर्न रेलवे ने जो चिट्ठी लिखी थी क्या उसकी बात होगी? रेलवे सब्टी के जो 1,42,000 पद खाली हैं उनको क्यों नहीं भरा गया? ये सवाल पूछेगी क्या? कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार हो जाएंगे? कांग्रेस की शासन में आप हो? हाँ। अरे भाई सरकार में आप हो, अगर आप जिम्मेदार हो तो चले जाओ थाने में, बंद हो जाओ अपने आप को। जो शासन में है, जो सत्ता में है, 6 घंटे ड्यूटी होता था लीडर, कांग्रेस की सरकार में 6 घंटे ड्यूटी देता था। सुनो, कांग्रेस के समय में पेंशन मिलता था, अनुकंपा के आधार पर नौकरी थी, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि जो हैं सारा रोजगारे पी गए। 3,12,000 पद खाली है। 5 जून को आपको रेलवे, सारे हिंदू बच्चे थे उनको पुलिस मार मार कर खदेड़ रही थी, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू रेल मंत्री, हिंदू तमाम मंत्री होने के बावजूद हिंदू युवाओं को जो 2019 में वैकेंसियां निकली थी क्वालिफाई करने के बावजूद उनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई। तमाम विरोध करते हैं। सुनो, अरे बेशर्मो, जब कश्मीरी पंडितों, अरे भाई सुन लो बेशर्मो, कश्मीरी पंडितों को 15 महीनों से वेतन नहीं मिल रही है, कश्मीरी पंडितों के जमीनें छीनी गई, तो एक सनातनी हिंदू को बोलना अनिवार्य है। जब कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया, तो ब्राह्मण पूरे, आप ब्राह्मणों का सम्मान सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, तो बोलना जरूरी है। जब खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़े जाते हैं तो बोलना जरूरी है। जब तमाम ये हिंदू बेटियां जो जंतर मंतर पर घसीटे गई और उनको बैठने तक नहीं दिया गया, मांग नहीं करने दी गई, तो सुन लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, यही अगर पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती, बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई अब्दुल होता, कोई कादिर होता, तो आप नागिन डांस डांस रहे होते, हाथों में ऐसे चूड़ियां पहन पहन कर, ऐसे नहीं नहीं ऐसे ऐसे चूड़ियां पहन पहन के पहन लेना चाहिए, लो पत्र फेंकू तुम्हारे मुंह पर, बेशर्मो, शर्म ही नहीं है, क्या बात करते हो तुम? हिंदुओं पर सबसे ज्यादा 80% हिंदू देश में रहते हैं। हिंदू जितना, औरंगजेब ने जितना जुल्म नहीं किया हिंदुओं पर, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सनातन हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया है। महंगाई के मार हिंदुओं पर, बेरोजगारी के मार हिंदुओं पर, मंदी की मार हिंदुओं पर, GST की मार हिंदुओं पर, नोटबंदी की मार हिंदुओं पर, आपको नहीं दिखता? औरंगजेब बढ़िया था। अरे बेशर्मो, आप कह रहे हैं मोदी जी ने ज्यादा, अरे भाई बेशर्मो, अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, ये आप मीडिया के लोगों की दिमाग की शैतानी उपज है। 24 घंटा नफरती खेल दिखाते हो। आपका ही भाई तिहारी दिखा रहा था, अरे आपका ही भाई, आपका ही भाई तिहारी ये दिखा रहा था। आप लोग इतने बेशर्म हो गए कि आपको शर्म ही नहीं, आप पूछो, अरे भाई, अरे भाई सुन नहीं रहे, सुनो तो सही, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका ही भाई तिहारी ये खबरों को दिखा रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुन लो, आपने जिस, ये कौन है तिहारी, आपका भाई, ये 2 करोड़ का मजदूरी करने वाला, ये भाजपा का एजेंट, आवारा कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने वाला, 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार अपने, अरे सुनो, अरे बेशर्मो, पूरे देश को आग में मत झुलसो। हमने देखा था पालघर की घटना पर, आप लोग जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, जब चर्चा हुई, जब पता चला कि उसमें भाजपा का नेता है, तो आप लोगों ने चुप्पी साध ली। अगर यही कश्मीरी पंडितों का जुल्म किसी दूसरी पार्टी की सरकार में होता, तो आप नागिन डांस डांस कर रहे होते। जब ये पहलवान बेटिया का यौन शोषण का आरोपी अगर किसी गैर विपक्षी पार्टियों के राज्य का होता, तो आप ऐसे सड़कों पर लौट रहे होते जैसे नागिन डांस कर रहे होते।